दोस्तों 3 महीने से भारत में अडानी और हिंडनबर्ग की चर्चा है। खासकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अडानी ने देश को लूटा है, लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है जिससे देश की इकोनॉमी कितनी बर्बाद हुई है, लोगों का भविष्य कितना बर्बाद हुआ है, आज इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों फोर्ब्स की लिस्ट आई है अमीर लोगों की, जो आप देख रहे हैं इस समय मेरी स्क्रीन पर, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि भारत के अमीरों का नाम ही गायब है। क्यों भाई, भारत के अमीरों का नाम क्यों गायब है? इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब अगर हम 2022 की बात करें, जहां पर अगर आप देख रहे हो इस समय गौतम अडानी तीसरे नंबर पर थे, और अगर मैं बात करूं ट्विटर के सीईओ फर्स्ट नंबर पर थे और सेकंड नंबर पर गौतम अडानी पहुंच गए थे, आज गौतम अडानी करीब करीब 24वें नंबर पर पहुंच गए हैं 2023 में। 2022 की ये लिस्ट आप इस समय देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी को कैसे नीचे गिराया गया है। क्या ये सारा पैसा गौतम अडानी का था? राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री और गौतम अडानी को लेकर सवाल खड़े किए, इसके बाद शेयर मार्केट लगातार क्रैश होती रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आम लोगों का पैसा लगा था, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए इतना पैसा बर्बाद कर दिया जाएगा? आज अगर मैं बात करूं गौतम अडानी की, जो नेटवर्थ अगर बताई जा रही है 3.3 बिलियन डॉलर, आज जो 24वें स्थान पर है वर्ल्ड में, और जब गौतम अडानी दूसरेवें स्थान पर थे तो 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी गौतम अडानी की नेटवर्थ। अब यह समझने वाली बात होगी कि गौतम अडानी के ये नीचे आने पर क्या गौतम अडानी का ही पैसा बर्बाद हुआ है? हमारा आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गौतम अडानी का तो सारा पैसा था नहीं, गौतम अडानी की कंपनी थी, पैसा शेयर धारकों का लगा था, शेयर जिन्होंने खरीदा था उसका लगा था, और अगर मार्केट क्रैश करती है तो लॉस किसका होगा? गौतम अडानी का तो होगा, लेकिन जो जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनका भी लॉस होगा, यानी आपका हमारा सबका लॉस होगा, क्योंकि करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को हुआ है। और फोर्ब्स की लिस्ट जो आई है इस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस लिस्ट में गौतम अडानी 24वें स्थान पर आ गए। हम गौतम अडानी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी 100 बिलियन डॉलर तहस नहस हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन देगा उस पैसे को? कौन लाएगा इस पैसे को? जो पैसा बर्बाद हुआ देश का, जिस शेयरों की वैल्यू घटी, वो पैसा कौन देगा? राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका के तो चले गए, क्या अब वो 100 बिलियन डॉलर देश की जनता को देंगे, जो देश की जनता का पैसा लगा हुआ था? आप देख सकते हैं राहुल गांधी लगातार आपने देखा होगा राहुल गांधी संसद भवन के अंदर अडानी। इसका क्या नतीजा निकला कि अडानी ग्रुप तहस नहस के करीब पहुंच गया। 35 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बची है। क्या यह भारत का पैसा नहीं था? क्या फोर्ब्स की लिस्ट में अगर अडानी नंबर 1 पे होता तो भारत का नाम नहीं होता? होता ना, अडानी का नाम अगर नंबर 1 पे होता तो भारत का भी तो नाम होता। भारत का नाम जाना जाता कि विश्व का सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी है, जो भारत से है। क्यों नहीं भाई पच रहा था ये सब चीजें? क्यों ये चीजें नहीं पच रही थी कि नंबर 1 पर कोई भारतीय हो? क्यों, अगर मैं बात करूं 9वें नंबर पर इस समय आ गए हैं कौन? मुकेश अंबानी। और 24वें नंबर पर अगर मुकेश अंबानी को एक अपवाद के रूप में छोड़ दे तो आपको कहीं पर भारतीयों का नाम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्या हुआ ऐसी गलती हमसे कि हमारा जब नाम, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और हमारे साथ ऐसा किया जाता है और इस तरह से गिरा दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए उसकी ये हालत कर दो कि कोई भी बिजनेसमैन नया खड़ा होने की कोशिश ही ना करे, क्योंकि पता है कि अगर हम खड़े होंगे तो राजनेता आएंगे, हमको गिरा देंगे। तो ये है पहला पॉइंट जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी 100 बिलियन डॉलर बर्बाद हुई है। उसके पीछे एक हाथ है राहुल गांधी का, और जो दूसरा हाथ है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये व्यक्ति हिंडनबर्ग का, ये जो व्यक्ति है ना आप देख रहे हैं, इसने बर्बाद किया है भारत को, इसने भारत की इकोनॉमी को तहस नहस किया है। इसके पीछे ये है, आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च आई थी जनवरी में,
जनवरी में जब रिसर्च आई तो विपक्ष ने पूरी तरह से हंगामा बोल दिया, कहा कि हिंडनबर्ग कह रहा है कि अडानी ने घपला किया, इसमें मोदी का भी हाथ है, मोदी का पैसा भी लगा हुआ। बार बार राहुल गांधी गाते रहे कि इसमें मोदी का पैसा लगाओ, लेकिन इस व्यक्ति ने हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में बनी इस कंपनी ने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया, भारत की एक ऐसे बिजनेसमैन को गिरा दिया जो आने वाले भविष्य में विश्व को लीड करता और विश्व में अगर बात करते भारत का नंबर वन बिजनेसमैन होता, पूरे विश्व का नंबर वन बिजनेस होता, जिसके सामने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन डाउन हो जाते। आज जो अगर बात करें, चाहे ट्विटर के सीईओ हो, स्पेसएक्स के मालिक, या जो अब जितने ही बड़े बड़े बिजनेसमैन इस समय आ रहे हैं, वो सब गौतम अडानी के नीचे होते। लेकिन गौतम अडानी को गिराने के लिए किस तरह से स्ट्रेटजी रची इस व्यक्ति ने और उसका साथ दिया हमारे विपक्ष ने, जिसके बाद शेयर की वैल्यू कम होती गई और आज ये हाल है। गौतम अडानी को लेकर एक चर्चा और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बड़ी चर्चा होती है कि गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए मोडानी कहा जाता है, मोडानी कहता है विपक्ष, लगातार मोडानी कहता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, अभी हाल में ही अगर मैं बात करूं, गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी नेता के रिश्ते गौतम अडानी या बड़े बड़े बिजनेसमैनों से हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के रिश्ते अच्छे अंबानी खानदान से, धीरू भाई अंबानी को देख सकते हैं इस समय आप, ये धीरू भाई अंबानी है। इधर देखिए, गौतम अडानी के साथ अगर मैं बात करूं, अशोक गहलोत भी बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए। इधर देखिए, कपिल सिब्बल अनिल अंबानी के साथ है, तो क्या समझें, ये भी कुछ चल रहा है। अगर बात करें, यहाँ देख लीजिए, अमरिंदर सिंह जो पूर्व कांग्रेस सीएम थे पंजाब से, वो भी हैं मुकेश अंबानी के साथ, तो क्या इनका भी रिश्ता चल रहा है, इन्होंने भी घपला किया है। इस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि राजनीति यहाँ खत्म हो जाती है, हमें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन देश की जो इकोनॉमी बर्बाद हुई है उससे हमें मतलब है। और गुलाम नबी आजाद ने सीधे कहा था कि इस तरह के इल्जाम लगाना अपने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करना है, तो राहुल गांधी ने यह किया कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो इतनी तेजी से बढ़ रही है उसमें ब्रेक लगाने का काम राहुल गांधी ने किया। गौतम अडानी अगर बड़े व्यक्ति बनते तो उसमें लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिलता। अभी आपने देखा फेसबुक में करीब करीब 30,000 से 35,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। गौतम अडानी अगर यही करने लगे, 1,00,000 एम्प्लॉयज को निकाल दें, तो क्या होगा देश का, कितने लोग बेरोजगार होंगे। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। गौतम अडानी अगर बर्बाद होते हैं तो एम्प्लॉयज निकलेंगे, इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए देश में। अब देखिए, अगर बात करें, शरद पवार पॉलिटिक्स के चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। इन्होंने खुद कहा है कि बेवजह वो मत करिए, संसद भवन के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अडानी पर जेपीसी बैठाई जाए, लेकिन खुद शरद पवार ने कहा है कि जेपीसी बिठाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संसद में सबसे ज्यादा सदस्य तो भाजपा के हैं, तो सही जांच होगी नहीं, तो इससे अच्छा जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो सबसे बेटर है, जिससे सही जांच सामने आ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भी नेताओं को भरोसा नहीं है। लेकिन आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है था कि देश की एक बिजनेसमैन को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आने वाले भविष्य में क्या कोई बिजनेसमैन खड़ा होगा। क्योंकि आप जब बड़ा बिजनेस करते हैं तो सरकारों के साथ आपके रिश्ते होते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं, चाहे अगर मैं बात करूं टाटा की बात करें, या धीरू भाई अंबानी की बात करें जिनकी कंपनी रिलायंस है, या बात करें गौतम अडानी की, या बात करें महिंद्रा की, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरकारों से इनका रिश्ता नहीं होगा। क्योंकि इनका अगर बात करें, ये लोग बिजनेस करते हैं, सरकारों से परमिशन की जरूरत पड़ती है, सरकारों के साथ इनका लोन, अगर बात करें बैंकों से लोन का इनका काम होता है, तो सरकारों से रिलेशन नहीं होंगे। तो आप समझ लीजिए कि एक राजनीति चमकाने के लिए कि 2024 के चुनाव है और अडानी का नाम ऐसे उछाला गया कि बड़ी बड़ी सेल कंपनियां हैं बाहर, वहां से शेयरों को मैनिपुलेट किया गया, बहुत सारे सवाल खड़े किए राहुल गांधी। लेकिन अगर इन सब राजनीति नहीं होती तो आज यहां पर गौतम अडानी देखे जाते। लेकिन गौतम अडानी को ऐसे गिराया गया कि 24वें स्थान पर आ गए।
ये भारत की सबसे बड़ी हार है। गौतम अडानी की हार तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है हार भारत की है। बहरहाल इसने पूरे देश की इकोनॉमी को ऐसे तहस नहस किया है कि आने वाले समय में गौतम अडानी किस तरह से उठते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो देश का नाम रोशन कर रहे थे कि नंबर वन पर, क्योंकि दूसरे नंबर पर गौतम अडानी पहुंच गए थे पूरे विश्व में, दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर गौतम अडानी आने वाले थे। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रची गई है साजिश, जिसमें से राहुल गांधी भी इस खेल का मोहरा बन गया। इस व्यक्ति ने रची और इस व्यक्ति ने साजिश रची और इसने गौतम अडानी की कंपनी यानी अडानी कंपनी के शेयर इसने खरीदे, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में गौतम अडानी फिर बढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो इसने शेयर भी खरीदे होंगे इस व्यक्ति ने। तो आप समझ लीजिए इस विदेशी कंपनी पर भरोसा हो गया जो 2017 में बनी है, और गौतम अडानी जब इतने साल से व्यापार कर रहे हैं उस पर भरोसा नहीं रहा। ये तो सवाल होंगे ना, छोटी सी कंपनी है जिसमें 10 लोग मिलकर काम नहीं करते हैं, उसकी रिसर्च पे भरोसा हो गया और राजनीति हो गई, शेयरों को गिरा दिया गया, मार्केट को क्रैश करवा दिया गया, लेकिन नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर क्या हुआ और हमने क्या खोया। आज जब फोर्ब्स की लिस्ट आई तो मैंने देखा कि भाई भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नंबर वन, पांचवें नंबर, नवे नंबर पर दिखे खाली मुकेश अंबानी जो $84 बिलियन के साथ है, आप देख सकते हैं, बाकी आपको कहीं नहीं भारतीय देखने को मिलेगा। गौतम अडानी अगर एक नंबर पर होते, दूसरे नंबर पर होते, तो हम भी चौड़े से कह सकते थे कि हाँ भारत का ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। लेकिन हम आप क्या कहेंगे कि हमारे देश के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कर लेते हैं। बहरहाल ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि देश में अगर बात करें, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम विश्व में किस पायदान पर अपना अस्तित्व रखते हैं। जय हिंद।